स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। पिछले सत्रों में हमने लोक सेवकों का महत्व और उनके कार्य और वर्तमान समय में लोक सेवकों के महत्व और उनकी विशिष्टताओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे कि लोक सेवकों की भर्ती का महत्व क्या है, उसका अर्थ क्या है और लोक सेवकों की भर्ती के नकारात्मक और सकारात्मक विचारधारा क्या है। रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। लोक सेवा में कर्मचारियों की भर्ती एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि प्रशासन की स्थिरता और कार्यकुशलता लोक कर्मचारियों की योग्यता, ईमानदारी और लगन पर निर्भर करती है। शासन की सफलता और असफलता भी इन्हीं कर्मचारियों की ऊपर निर्भर करती है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन कर्मचारियों की भर्ती किस प्रकार से की जाए। जब तक कि लोक प्रशासन में बहुत कुशल, योग्य और ईमानदार व्यक्तियों की भर्ती नहीं होगी, तब तक लोक प्रशासन सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता है। तो यह कहा जा सकता है कि भर्ती ही शक्तिशाली लोक सेवा की हम चाबी मान सकते हैं। जैसा कि स्टॉल ने लिखा है कि भर्ती लोक कर्मचारियों के संपूर्ण ढांचे की आधारशिला है। रिक्रूटमेंट इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ द होल पब्लिक पर्सोनेल स्ट्रक्चर। और फिर जब से लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आई है, तब से लोक कर्मचारियों की भर्ती बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन गई है। भर्ती के संबंध में प्रोफेसर जिंक ने भी लिखा है कि भर्ती के अतिरिक्त लोक प्रशासन का कोई भी भाग इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जिस समय तक आधारभूत सामग्री अगर उपलब्ध नहीं होगी, उस समय तक प्रशिक्षण, निरीक्षण और सेवायापन यानी रेटिंग, वर्गीकरण और खोज, ये सारे कितनी ही व्यापक क्यों ना हो, लेकिन सार्वजनिक कर्मचारियों की पूर्ति नहीं हो सकेगी। तो कहने का मतलब ये है कि भर्ती एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। ये माना जाता है, विद्वानों की ये मान्यता है कि भर्ती की एक निश्चित प्रणाली प्राचीन काल से चली आ रही है। सबसे पहले चीन के शासकों में ये कहा जाता है कि उन्होंने प्रतियोगिता के माध्यम से लोगों की अपने प्रशासन में भर्ती की थी। आधुनिक समय में समुचित जो भर्ती प्रणाली है, उसका श्रेय प्रशा को दिया जाता है। भारत में भर्ती के क्षेत्र में योग्यता का सिद्धांत सन 1853 से प्रचलित है और ब्रिटेन में 1857 में आंशिक रूप से और 1870 में पूर्णतः इसको अपनाया गया था। 1881 में अमेरिका में भी 1800 गारफील्ड की हत्या के परिणाम स्वरूप 1881 में के कारण 1883 में पेंडलटन अधिनियम पारित किया गया और फर्स्ट बार वहां पर लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। तो हम जो सबसे सर्वप्रथम है वो भर्ती का अर्थ देखने का प्रयास करेंगे। भर्ती का अर्थ है सरकारी नौकरियों में उपयुक्त प्रकार के व्यक्तियों को खोजना। और भर्ती शब्द का प्रयोग नियुक्ति के समानार्थी रूप में लिया जाता है और भर्ती के लिए की जाने वाली परीक्षाओं को भी भर्ती कहते हैं, शिक्षा या ट्रेनिंग के प्रवेश में भी भर्ती कहते हैं, लेकिन ये संकुचित अर्थ है। हम ये कह सकते हैं कि व्यापक अर्थों में भर्ती से हमारा तात्पर्य है नियुक्ति, परीक्षण और साक्षात्कार। इन तीनों को मिलाकर भर्ती का नाम दिया जा सकता है। स्पष्ट करते हुए डिमॉक ने लिखा है कि विशिष्ट कार्यों के लिए उचित व्यक्तियों को प्राप्त करना और कर्मचारियों के बड़े समूह के विज्ञापन निकालना या
विशेष कार्य के लिए किसी उच्च दक्षता प्राप्त व्यक्ति की खोज करना ही भर्ती है, यानी सिक्योरिंग द राइट पीपल फॉर पर्टिकुलर जॉब्स एंड मे टेक द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग फॉर लार्ज ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉयज और टेकिंग आउट अ हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल फॉर स्पेशल वर्क। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भर्ती एक बहुत ही व्यापक प्रक्रिया है और इसके माध्यम से लोक प्रशासन में योग्य कर्मचारियों के संगठन और उनका चयन किया जाता है और फिर उन्हें पदों पर नियुक्त करके प्रशासन में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। भर्ती के संबंध में दो प्रकार की विचारधाराएं हैं, नकारात्मक भर्ती और सकारात्मक भर्ती। तो प्रारंभ में जो लूट प्रणाली थी उसके दोषों को दूर करने के लिए लोक सेवा आयोगों का निर्माण किया गया। लूट प्रणाली से तात्पर्य यह है कि जो भी सरकार सत्ता में आती है उन लोगों के संबंधियों और रिश्तेदारों को पदों को दिया जाता है और जैसे ही सरकार हटती है उन कर्मचारियों को लोगों को हटा दिया जाता है और नई सरकार अपने जो दल के या जान पहचान वाले लोगों को पद देती है। तो इस प्रणाली को लूट प्रणाली कहा जाता है और निश्चित रूप से इसमें बहुत सारे दोष भी पाए जाते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति जो नियुक्त किए जा रहे हैं वो योग्य हों ये जरूरी नहीं होता है। तो योग्य लोगों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोगों का कंसेप्ट आया, लेकिन लोक सेवा आयोग बनाने का जो उद्देश्य निर्धारित किया गया वो नकारात्मक था। और इस अर्थ में नकारात्मक था कि ये माना जाता था कि नकारात्मक व्यक्तियों यानी धूर्तों को बाहर रखना लोक सेवा आयोग का कार्य है। कहाँ से बाहर रखना? शासकीय सेवाओं से धूर्तों को बाहर रखना, कीपिंग द रास्कल्स आउट। और ये माना जाता था कि एक बार लोक सेवाओं में नौकरी के लिए व्यक्ति आने लगेंगे तो ऐसा क्रम बना रहेगा, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप क्या रहा कि बहुत सारी साधारण योग्यता वाले व्यक्ति, मीडियोकर रहने वाले व्यक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से शासन में प्रवेश पाने लगे। तो भर्ती के इस निषेधात्मक एक तरह से विचारधारा जो थी, इसके प्रयत्न का जो परिणाम यह हुआ कि लोक सेवाएं जो हैं वो उदासीन लोगों का आश्रय स्थल बन गई और जो औसत नियम है वो औसत नियम उच्च पदक्रम से प्रत्याशियों को छांटने के लिए जो बड़े समूह में से उच्च पदक्रम यानी योग्य लोगों को छांटने के लिए जो विश्वास करते थे उस विश्वास को ज़्यादा बल नहीं मिला, क्योंकि इसमें धूर्त तो बाहर रहे किंतु इसके साथ में बहुत सारे योग्य व्यक्ति भी इस भर्ती की नकारात्मक विचारधारा के कारण शासन में नहीं आ सके। तो जैसा कि जे डोनाल्ड किंग्सले ने भी इस स्थिति के बारे में लिखा कि संभवतः धूर्तों को तो सेवा में बाहर रखा जाता है किंतु इस कारण से अनेक योग्य एवं बुद्धिमान व्यक्ति भी बाहर रह जाते हैं। इसलिए नकारात्मक भर्ती के स्थान पर सकारात्मक भर्ती की विचारधारा का कॉन्सेप्ट सामने आया, जिसमें इस बात की आवश्यकता पर जोर दिया गया कि योग्य व्यक्तियों को लोक सेवाओं की ओर आकर्षित किया जाए। तो लोक सेवा में भर्ती की सकारात्मक अवधारणा से ये माना गया कि विभिन्न सरकारी पदों के लिए उचित प्रकार के व्यक्तियों की खोज के प्रयास किए जाए और चयनकर्ता का जो लक्ष्य है वो कुशल और योग्यतम व्यक्तियों को चुनना होना चाहिए। सकारात्मक भर्ती में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि केवल योग्य तथा पात्र व्यक्तियों को ही प्रतियोगिता में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाए।
और इसीलिए एलडी व्हाइट ने लिखा कि भर्ती की समस्या इस ढंग से उठती है कि एक ओर समानता तथा मानवता का ध्यान होना चाहिए और दूसरी ओर फिर विशेष योग्यता का भी ध्यान होना चाहिए। इस प्रकार सकारात्मक भर्ती की कुछ विशेषताएं सामने आती हैं, जैसे पहली विशेषता है पद और पदोन्नति क्रम पर बल, एम्फेसिस ऑन जॉब एंड प्रमोशन लैडर। दूसरी विशेषता इसकी यह है कि योग्य व्यक्तियों की व्यापक खोज पर इसमें बल दिया जाता है, एम्फेसिस ऑन द एग्रेसिव सर्च फॉर बेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। तीसरा, योग्य व्यक्तियों को हटाने के लिए नियुक्ति पूर्व परीक्षा पर बल, यानी एम्फेसिस ऑन द प्री टेस्ट एलिमिनेशन ऑफ द अनफिट। और चौथी महत्वपूर्ण विशेषता सकारात्मक भर्ती प्रणाली की है कि विभागों के ही पारस्परिक सहयोग तथा शांतिमय संबंधों पर बल दिया जाता है, एम्फेसिस ऑन द म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड पीसफुल रिलेशन ऑफ द डिपार्टमेंट। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सकारात्मक भर्ती की विचारधारा पर बहुत बल दिया जाने लगा और 20वीं सदी के अंत तक सेवी वर्ग की भर्ती और मानव समस्याओं के समाधान के लिए मानवीय कुशलता की बहुत ज़्यादा मांग बढ़ गई और केवल उनको खोजने पर ही बल नहीं दिया गया, बल्कि ये ध्यान में रखा गया कि इस तरह के लोगों का निर्माण भी किया जाना चाहिए, यानी उनकी इस तरह से ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको इस तरह से बिल्ड करना चाहिए ताकि वो समाज की जटिल होने वाली संस्थाओं और समस्याओं में समन्वय स्थापित कर सके, जटिल कार्यों को संपादित करने में समर्थ भी हो सके। तो इस प्रकार से अब इस बात पे ध्यान दिया जाता है कि धूर्तों को बाहर रखने पर ही बल नहीं दिया जाए, बल्कि राज्य की सेवा करने के लिए सर्वोत्तम व्यक्तियों को प्रोत्साहित भी किया जाए, बेस्ट व्यक्तियों को प्रशासन में आने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, उनकी योग्यताओं को इस ढंग से निर्धारित किया जाए कि ये निश्चय हो सके कि प्रत्येक व्यक्ति उस स्थान को प्राप्त कर सकेगा जिसके कि वह योग्य है। यानी अब योग्यता की अवधारणा पर ज़्यादा बल दिया गया और वर्तमान समय में लगभग सभी देशों में लोक सेवा सेवकों की भर्ती के लिए सकारात्मक नीति पर ही बल दिया जाता है और सकारात्मक नीति के विकास के लिए जितनी भी आवश्यकताएं हैं उन्हीं के प्रयास किए जाते हैं। इस नीति के जो मूल तत्व हैं वो ये हैं कि लोक कर्मचारियों के पदों के लिए रोजगार बाजार की खोज और उसका संवर्धन किया जाना चाहिए, भर्ती संबंधी आकर्षक साहित्य और उसके प्रकाशन का भी प्रयोग किया जाना चाहिए, प्रत्याशियों की योग्यता को निश्चित करने के लिए वैधानिक तरीकों और परीक्षणों का प्रयोग किया जाना चाहिए, सेवाओं में से ही योग्य और समर्थ प्रत्याशियों को लेना चाहिए, सुनिश्चित स्थापन यानी प्लेसमेंट कार्यक्रम होने चाहिए जिससे ठीक व्यक्ति को उचित कृत्य सौंपे जाएं और भर्ती की प्रक्रिया के अविच्छिन्न अंग के रूप में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संपन्न होने चाहिए, ट्रेनिंग कार्यक्रम प्रोग्राम भी होने चाहिए। तो इस प्रकार से नकारात्मक और सकारात्मक भर्ती में से वर्तमान समय में सकारात्मक भर्ती पर अधिक जोर दिया जाता है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।